मजेदार होने वाला है। पाकिस्तानी अवाम से आज हम बहुत ही मजे का सवाल करने वाले हैं और मेरा आज का सवाल ये है, अगर हम बात करें अपनी नेबरिंग कंट्री, अपने हमसाया मुल्क इंडिया की, जिसका प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। 8 साल से नरेंद्र मोदी की ही हुकूमत चल रही है इंडिया में। अगर वो यहाँ पर पाकिस्तान में आते हैं, उनकी कलेबरेशन हो जाती है हमारे PM के साथ, अच्छे ताल्लुकात जो है वो कायम हो जाते हैं, अगर उनको मौका दिया जाए कि वो हमारे मुल्क के लिए भी काम करें हमारे PM के साथ मिलकर, तो पाकिस्तान में क्या क्या बेहतरी आ सकती है, किन किन शोबों में पाकिस्तान आगे जा सकता है, इंटरनेशनल मार्केट को कैसे पाकिस्तान जो है वो अट्रैक्ट कर सकता है, और सबसे बड़ी बात, अगर नरेंद्र मोदी यहाँ आ जाते हैं क्या पाकिस्तानी अवाम उन्हें एक्सेप्ट करेगी या नहीं, इन सब सवालों के जवाब हम आज के प्रोग्राम में जानेंगे। तो मेरे साथ कनेक्ट रहे, जुड़े रहे और देखते रहे कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है सर आपका? सलीम शाहिद। शाहिद हाशमी। मलिक साजिद। अच्छा महविश, मेरा आपसे, आपने मेरा हालचाल नहीं पूछा वैसे। अच्छा आपका क्या हाल है? आपके सामने बहुत अच्छी हूँ। हाँ इसीलिए मैंने नहीं पूछा, इतनी प्यारी सी लड़की है ये। और माय गॉड, थैंक यू सो मच। अच्छा महविश, मेरा आपसे आज का सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करें, तो आप मुझे बताएं क्या बेहतरी आ सकती है पाकिस्तान में? पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन सा वाला है, किसके साथ मिलकर वो काम करें? कोई भी प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी बस आना चाहिए। नरेंद्र मोदी आना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर कोई भी हमारा जो करंट चल रहा होगा। फलाह बहबूद का काम हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है इंडिया में जितना भी काम हो रहा है सिर्फ मोदी के अंडर नहीं हो रहा, उसमें उनकी नीचे की जितनी, फॉर एग्जांपल जैसे उनकी कांग्रेस है, उनके बाकी लोग हैं, उनकी अवाम है, सारी उनकी जो पार्टीज़ हैं वो सब लोग उसके साथ बराबर के शरीक हैं, सबका हाथ है इम्प्रूवमेंट में, वहाँ पर डिवेलपमेंट में। लेकिन यहाँ पर इस आवाम को आप कहेंगे जिन्होंने पार्किंग की जगह छोड़ के गाड़ियाँ पब्लिक में खड़ी की हुई हैं, ये आवाम साथ देगी उनका? ये आवाम डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएगी? ये आवाम ग्रूम करेगी हमारे मुल्क को? नहीं यार, पॉसिबल ही नहीं है। और ऐसी ऐसी जगह को कोई क्यों चुनेगा? कोई जन्नत छोड़ के दोजख में क्यों आएगा? नेबरिंग कंट्री इंडिया, जिसके प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनके बारे में आप क्या कहेंगे, वो कैसा काम करें अपनी कंट्री के लिए? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनके लिए बेस्ट ऑफ विश है, ठीक है। और वो जो है, देखें नरेंद्र मोदी जो है अपने मुल्क के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं। देखें वो कितने अरसे से जो है उनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, अगर हो भी जाती है तो इतने अरसे के लिए पोजीशन चेंज नहीं होती, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो है महीनों में दो तीन महीनों के बाद जो है, या ढाई तीन महीनों के बाद जो वज़ीर आज़म चेंज हो रहे होते हैं, और एक दूसरे के जो है कसूरवार कह रहे होते हैं कि ये कसूरवार है, इमरान खान ने ये कर दिया, या इमरान खान ने IMF के साथ मुआहदे किए थे, या सुभाष जी ने आगे महंगाई कर दी है वो। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, और वो सियासत के लिहाज से भी देखा जाए तो एक सियासत के लिहाज से भी एक बहुत अच्छी कंट्री है, और वो अपने मुल्क को जो है एक, देखें अभी तक तो जो लग रहा है उन्होंने लोकल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को बहुत हद तक प्रमोट किया है। जो उनकी पॉपुलेशन है वही उनकी स्ट्रेंथ बनने जा रही है, और उसके अलावा आप ये देखें कि जो जहां तक मैं पढ़ा है उनके बारे में, वो तो बहुत तरक्की करें, ठीक है, इंतहा पसंदी है उनकी ओवरऑल मोदी में, बट अदरवाइज इंडिया इज़ प्रोग्रेसिंग, यू नो। यार अपना मुल्क छोड़ने को नहीं कहा, सिर्फ मतलब हमारी कंट्री के साथ थोड़ी रिलेशनशिप्स अच्छे करके थोड़ी पॉलिसी मेकिंग की बात हो रही है। अगर वो करे भी ना, वो बनाए, फॉर एग्जांपल वो कहे कि यार मैं हाथ बढ़ाता हूँ, ये करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर US जैसा मुल्क इंडिया के साथ मिलके इतनी ज़्यादा चीज़ें बेहतर करना चाह रहा है, तो फिर पाकिस्तान तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो करेगा, वो भी करेगा, ये लोग भी हाथ बढ़ाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अवाम हमारी जो है ना, क्योंकि जैसी अवाम होती है उस पर वैसी हुक्मरान मुसल्लत किए जाते हैं, हमें हमेशा हम लोग पॉलिटिशियंस को बुरा कहते आए हैं, बट नो डाउट कि हम खुद भी कोई खासे दुरुस्त नहीं है, ठीक है। अच्छा महविश, मुझे ये बताएगा कि इंडिया की तरफ जो इंटरनेशनल मार्केट का रुझान है वो बहुत ज़्यादा, इंटरनेशनल मार्केट इंडिया में बहुत इन्वेस्टमेंट कर रही है और बिज़नेस करना पसंद कर रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है वो पॉलिसीज बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं आगे से। आपको लगता है अगर नरेंद्र मोदी यहाँ आ जाएँ तो इंटरनेशनल मार्केट उनकी पॉलिसी मेकिंग वजह से हमारी तरफ भी अट्रैक्ट होगी? यार बेसिकली हमारी जो है ना, पिछला जो हमारा एक क्राइटेरिया बना चला आ रहा है, या फिर हमारा एक जो हमने लोगों के सामने अपना जो फेस रिप्रेजेंट किया हुआ है उसको देखते हुए तो आसार नज़र नहीं आ रहे, लेकिन अगर रिप्रेजेंटेटर बदल जाए तो शायद कहीं बेहतरी आ सकती है, शायद कहीं बेहतरी आ सकती है। अच्छा आप मुझे ये बताएगा कि नरेंद्र मोदी इंडिया के लिए कितना बेहतर काम करें और कितना ग्रो कर गया है इस वक्त इंडिया? यार इंडिया की ग्रोथ तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, आपको भी पता है इंडिया एक बिज़नेस टाइकॉन बन गया है, चाइना को पीछे छोड़ दिया उसने डेवलपमेंट में, IT में, मतलब हर चीज़ में, अगर हम उनकी गाड़ियों की बात करें, उनके एजुकेशन की, उनके हॉस्पिटैलिटी की, हर चीज़ में इंडिया इज़
हेयर एंड पाकिस्तान इज लाइंग हेयर समवेयर. तो कोई कंपैरिजन तो नहीं बनता बट स्टिल मतलब हैट्स ऑफ टू द देयर पॉलिटिशियंस टू इंडिया टू नरेंद्र मोदी. तीसरा टेन्योर अगर वो आने वाला कहा जा रहा है कि मोदी का होगा तो ऑब्वियसली कुछ तो बात है उसमें. इन विच फील्ड्स दे आर प्रोग्रेसिंग? देखें वो उनको आप जिस फील्ड में भी ले लें, आईटी में देख लें वो बहुत तरक्की कर रहे हैं, उसके अलावा एजुकेशन में, जीडीपी, हर चीज़ में वो हमसे बहुत आगे हैं ओवरऑल. मेरे ख्याल से तो ऑलमोस्ट सब में ही है, सियासत ले लें, आईटी ले लें, क्रिकेट में अब जो है थोड़ा पाकिस्तान का नाम आने लग गया है क्योंकि आपको पता है जैसे पिछले एक सौ दो साल से जैसे हमें बाबर आजम मिला है, उसके बाद जो बाबर आजम कैप्टन बने हैं तो उसके बाद जो पाकिस्तान की टीम का जो मोराल है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया. तो पहले था कि जैसे हम धोनी थे तो तब इंडिया की टीम मानी जाती थी, यार एम एस धोनी एक ऐसा क्रिकेटर था जो कि एक पूरी फैमिली, नहीं कहते हम जैसे क्रिकेट टीम होती है पूरी फैमिली होती है, तो वो एक पूरी फैमिली पूरी क्रिकेट टीम को लेकर चलता था, चाहे वो खुद कभी जो है फ्लॉप हो गया या जो भी है लेकिन वो एक पूरी टीम को लेकर चलता था. लेकिन अब जो है इंडिया की टीम में ऐसा है कि जो पूरी उन्हें या कह लेंगे प्रॉपर एक कैप्टन नहीं मिला या एक ऐसा लीडर नहीं मिला जो पूरी टीम को लेकर चले. अब देखें उनका जो बैटिंग ऑर्डर, अब इंग्लैंड के जो खिलाफ उनकी सीरीज हुई टी20 सीरीज उन्होंने जीत ली है, टेस्ट की भी जो उन्होंने इंग्लैंड ने जीता था लेकिन ओडीआई की जो है एक बराबर उन्होंने जीत लिया, एक इंडिया ने जीत लिया. तो देखिए बैटिंग की जो है इंडिया की तरफ अभी जो प्रॉब्लम आ रहा है, विराट कोहली फॉर्म में नहीं है, रोहित शर्मा भी जो है अभी. आपकी बात समझ गई हूँ, आप मुझे ये बताइएगा कि इंडिया की जो इतनी प्रोग्रेस है, इतना जो आगे बढ़ गया है इंडिया, आप उसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी को देते हैं? जी बिल्कुल, देखें उन्हें देते हैं और दूसरी उनकी अवाम, सबसे बड़ी आपको जो मेजर है आपकी अवाम डिपेंड करती है, उनकी अवाम जो सीखती भी है और आगे सिखाती भी है और उनमें एक हुनर है. और सबसे बड़ी जो बात जो है हमेशा मैं करता हूँ कि कॉन्फिडेंस है उनकी अवाम में, हमारी पाकिस्तानी अवाम में चाहे मैं भी हूँ तो कॉन्फिडेंस हमारे में बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू इंडिया. अभी यहाँ पर आप किसी भी लोग से इंटरव्यू लेकर या किसी भी हवाले से बात करें तो लोग हिचकिचाते हैं, हेजिटेशन महसूस करते हैं एक दूसरे से. लेकिन अगर इंडिया की बात करें, देखिए उनके डांस जो है शो होते हैं वो देख लें आप, इतने इतने बच्चे होते हैं और वो जो डांस कर रहे होते हैं किस तरह कर रहे होते हैं, सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस. और जब आपकी टीम में या आपकी जो है मुल्क के अंदर बच्चों के अंदर इनकरेज बहुत करते हैं ना, वो इनकरेज करते हैं ना, बात वही आ गई ना कॉन्फिडेंस. जब आप में कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब कोई आपको इनकरेज करेगा. सर आप मुझे ये बताएगा कि पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ पाकिस्तान में आए, उनके साथ काम करें, उनके साथ रिलेशनशिप्स बिल्ड हो, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में बेहतरी आ सकती है? देखिए सबसे पहले तो जो है वो इस हक में नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ जो किसी भी किस्म का मुआहदा करें, सीधी सी बात. अगर रिलेशनशिप्स बिल्ड हो जाए, अगर हो जाए तो दोनों कंट्री के लिए फ़ायदेमंद है, पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए भी, तो अच्छी बात है कि होना चाहिए. और ये जो एक बनी हुई है बहुत सदियों से कि इंडिया पाकिस्तान ये है तो वो है, तो एक चीज़ ख़त्म होनी चाहिए. जो आपको लगता है पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो हमारी कंट्री को बेहतर बना सकते हैं, हमारी कंट्री के इम्प्रूवमेंट के लिए वो काम कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो किस हद तक कर सकते हैं, क्या बेहतरी आएगी पाकिस्तान? देखिए मैं अगर एज अ पाकिस्तान बात करें तो हमें किसी दूसरे मुल्क में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, किसी दूसरे मुल्क, हम किसी दूसरे मुल्क में जा ही नहीं रहे हैं ना, हम तो दूसरे मुल्क से मंगवा रहे हैं. नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर हम जाने की मतलब यार ये कि हम तलाश कर रहे हैं ना, हमारे पाकिस्तान में भी इतने बहुत जो है कि टैलेंटेड है वज़ीर आज़म जो है सियासतदान है कि वो बन सकते हैं, अगर वज़ीर आज़म उन्हें चांस दिया जाए तो एक बन सकते हैं. देखिए अब इमरान टैलेंट बहुत है लेकिन बात वही आगे थोड़ी सी करप्शन है, ठीक है, उसको अगर ठीक कर लें तो हम जो है कुछ बेहतर बन सकते हैं. लग तो यही रहा है क्योंकि देखिए पिछले कई सालों से इंडिया में मोदी की हुकूमत है और वो उसमें उनकी तरक्की ही हो रही है, वो ऐसा नहीं है कि वो मतलब जवाल में नहीं जा रहे, वो प्रोग्रेस ही कर रहे हैं. सो वुड यू लाइक टू अप्रिशिएट मोदी? देखिए अगर मैं एज ए न्यूट्रल बात करूं, अगर मैं इस चीज़ को छोड़ दूं कि मुस्लिम नॉन मुस्लिम वाली बात नहीं करूं, तो मेरा ख्याल है कि ही इज़ डूइंग द राइट थिंग्स. अच्छा सर आप मुझे ये बताएगा कि अगर मोदी यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर काम करें तो पाकिस्तान में क्या बेहतरी आ सकती है? मेरा ख्याल है कि उनका जो एक्सपीरियंस है जिसकी बुनियाद पर उन लोगों ने तरक्की की है, हम लोग उनसे ये सब चीज़ें सीख सकते हैं, मिलकर काम किया जा सकता है, ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है. तो क्या क्या बेहतरी आ सकती है अगर मोदी जो है हमारी कंट्री के लिए काम करें? ओके देखें गुर्बत तो इंडिया में भी बहुत है, इसमें वो शक नहीं है, लेकिन यह है कि अदरवाइज़ अगर ये मिलकर काम करें तो आईटी सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, इन तमाम चीज़ों में बेहतरी आ सकती है, इन तमाम चीज़ों में बेहतरी आ सकती है अगर मोदी काम करें यहाँ पर.